हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बेटा, हम लोग जो है आज मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये मॉडल पेपर आपका बेटा चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक, 9 से लेकर के 16 तक इसमें चैप्टर आपका कवर किया गया है। मॉडल पेपर में इसका रिविजन आप करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, लिखा है एट डेट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका एट डेट, मतलब इन्हें जोड़िए। इनको आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है बेटा, इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखा है सिंबल बनाते हैं का, पैसे का, यहां लिखा हुआ बेटा एटीसी और यहां 65 और यहां है 42, यहां है 30। इसको आपको ऐड करना है। इसको क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ आपको डेसिमल की जगह दिया है, जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इस तरीके से बॉक्स भी आप बना सकते हैं। अभी आपको बताया नंबर 2।
यहाँ लिखा है बेटा यहाँ पर 62 है और उसी से है लिखा हुआ है बच्चों 70 रुपीज एंड 35 पैसे इसमें ऐड करना है 40 रुपीज 45 पैसे तो आपको ऐड करना है तरीके से आपका ये बना हुआ रहता है ठीक है। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन तो सेम उसी तरीके से हम ऐड करेंगे आकर का प्रारंभ करेंगे 5 + 5 8 अभी आपको बताया गया था तो आप ऐड करेंगे 10 में भी और 0 को हम यहां पर ऐड करते हैं 1 यहां पर कैरी में आ जाता है बेटा इस तरीके से कैरी हम ऐड कर लेंगे यहां पर कैरी है ये उसके बाद बी में हम 4 को ऐड करेंगे 3 + 4 आपका होता है ये 4 है तो 4 है 3 + 4 7 टेबल में आप 1 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 8 तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 8 और अगला देखिए बेटा यहाँ पर है 4 यहाँ क्या है बच्चों 4 है तो हम किसी कैंडी यहाँ नहीं कराए अभी आपको एडिशन का प्रॉपर्टी जब बताया जा रहा था तो उसको बताया जा रहा था किसी भी नंबर में 0 को ऐड कीजिए या 0 को किसी भी नंबर में ऐड कीजिए बात को ध्यान से सुनिएगा किसी भी नंबर में 0 को ऐड कीजिए या 0 को किसी नंबर में ऐड कीजिए आपका जो रिजल्ट आएगा वो स्टेल ओवर नंबर ही आएगा तो आप यहाँ 0 को 4 में ऐड करेंगे या 4 को 0 में ऐड करेंगे आंसर क्या आएगा 4 को हम यहाँ ऐड करेंगे अब उसके बाद
आइए दूसरी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पर आपको सब्जेक्ट करने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट डे अर्थात इन्हें घटाइए। पहला क्वेश्चन रुपीज वाले में आप लिखेंगे 83 रुपीज इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आपको 42 रुपीज 35 इसको सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों, तो सेम वही क्रिया है जैसे उसमें हम कर रहे थे एडिशन में, वैसे ही करना है, रूल वही है, केवल आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम नंबर है दोनों। आपको प्रॉपर्टी में बताया गया था अगर उसी नंबर में से उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उसका डिफरेंस क्या है, तो जीरो, तो यहाँ 5 माइनस 5 = 0। ये आप समझ पा रहे हैं, आगे देखिए 5 माइनस 3 फाइव में से आपको 3 माइनस करना है, तो यहाँ कट स्ट्रोक मेथड का यूज करते हैं। 5 लाइन आप ड्रा करके 3 लाइन कट भी कर सकते हैं, लेकिन आप 2 है तो आप 5 3 बड़े आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बच्चों। आ जाएगा कट क्या आएगा 2 ये बन गया 20 माइनस। उसके बाद आप इधर आते हैं 3 माइनस 2 कर देते हैं, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे आ जाएगा आपका 1, और उसके बाद 8 माइनस 4 कर देंगे बेटा 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 4। ठीक है, इस तरीके से आंसर आप देख पा रहे हैं 41 रुपीज 41 रुपीज एंड 20 पैसे। ये आपका सब्ट्रैक्शन है विदाउट कैरी, बिना उधार का। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से जो है ये सब्ट्रैक्ट हो पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखें बच्चों, 2 में है आपका 52 रुपीज 85 पैसे 52 रुपीज 65 पैसे इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आपको 11 रुपीज 60 पैसे 11 रुपीज 60 पैसे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं लोग, यहाँ आ जाएगा बेटा। यहाँ ध्यान दीजिए आप, सेम उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन है, कोई दूसरा इसमें रूल नहीं फॉलो करना है आपको। यहाँ पॉइंट लगा हुआ है 5 माइनस 5 सेम पिछले क्वेश्चन में आपको बताया गया है, सेम नंबर को सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करने पर 0, 6 में से 1 बड़े आसानी से आप सब्ट्रैक्ट करने के लिए आ जाएगा 4 5। उसके बाद 2 माइनस 1 करेंगे बेटा आपका आ जाएगा 1,
टू में से वन सेपरेट कर देंगे क्या आएगा वन, फाइव में से वन सेपरेट कर देंगे वन लेस कर देंगे तो आपका आ जाएगा फोर। इस तरीके से आप एंसर में आप देख रहे हैं कि आ जाएगा आपका डिफरेंस कितना है बच्चों 41 रुपीज एंड 20 पैसे, 41 रुपीज एंड 20 पैसे आपका एक डिफरेंस है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 70 रुपीज फर्स्ट क्वेश्चन, 70 रुपीज 45 पैसे, 45 पैसे इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 40 रुपीज 35 पैसे सिंबल लगाएंगे सेम वही प्रोसेस से बच्चों, यहाँ पर 5.50 आप राइट करेंगे, यहाँ पर 4.3 आपका वन आ जाएगा, वन राइट करेंगे यहाँ 4.3 वन आ गया। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, यहाँ मतलब 0 यहाँ है 4, यहाँ पर आपको कैरी लेने की जरूरत आ गई, ठीक है बेटा। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, कैरी वाला सब्ट्रैक्शन जो है बारह वाला सब्ट्रैक्शन आपने पढ़ रखा है, सीखा है। तो ये 0 है तो 0 जब 7 से 12 लगा तो ये हो जाएगा 10, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा, 0 के पास क्या होगा अगर आप यहाँ से राइट करिए और यहाँ पर टेबल में पांच क्या बचेगा बेटा बीस बच जाएगा, तो राइट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये 0 12 में लिया इससे उधार ले लिया तो 10 हो जाएगा और ये टेबल के पास क्या हो जाएगा वन लेस हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब ये आपका 7 0 से कोई मतलब नहीं है, 7 0 से आपका कोई मतलब नहीं है, सीधे मतलब है ऊपर जो 10 आया है 0 10 बन गया है, 10 माइनस 4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 और उसके बाद 6 माइनस 1 करेंगे आपका आ जाएगा 5। तो इस तरीके से आपने देखा बच्चों कि ये 56 रुपीज एंड 10 पैसे ये आपका आंसर आ रहा है, इसको आप जो है कंप्लीट करेंगे। ये दो क्वेश्चन बच्चों आपका कंप्लीट हुआ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दो टाइप के आप क्वेश्चन सीखे रुपए एंड पैसे के, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों तरीके के क्वेश्चन आपको होमवर्क ग्रुप में लगाएंगे और इसका प्रैक्टिस करेंगे। होमवर्क राइट करें बेटा, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपको बना देना है।
लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये दो क्वेश्चन है बच्चों, आप होमवर्क रूप में इसको आप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग इस मॉडल पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बेटा, टेक केयर।